हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष मिश्रा, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर। कंप्यूटर साइंस में जैसे कि हम लोग जानते हैं, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ते हैं और कई कोडिंग भी हमें करनी होती हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जो कंप्यूटर साइंस की सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती है, जिसका नाम है सी। क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर साइंस में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें शुरुआत सी प्रोग्रामिंग से करनी होती है। तो ज़्यादातर बच्चों को स्टार्टिंग लैंग्वेज में ही थोड़ी दिक्कत आती है कि सर कैसे कोडिंग करेंगे, सर कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जब सी में दिक्कत आती है तो आगे की भी लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम आने लगती है। तो शुरुआत हमारी अगर प्रोग्रामिंग की अच्छी होती है, अगर हम प्रोग्रामिंग में अच्छी नॉलेज है, तो हम आगे भी कोई भी नई प्रोग्रामिंग को आसानी से सीख सकते हैं। तो मेरा मेन एम ये रहेगा कि बेसिक सबसे पहले आपकी स्ट्रॉन्ग की जाए, उसके बाद जब बेसिक आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आप आसानी से आगे ही प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सी प्रोग्रामिंग से। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम लोग सीख रहे हैं तो सबसे पहले कुछ उसकी हिस्ट्री या उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि हिस्ट्री तो बहुत पुरानी इतिहास चला जाता है, लेकिन हमें तब भी उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट मेन बातों का ध्यान रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि सी के डेवलपर कौन है जिन्होंने सी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया। तो सी के डेवलपर हैं हमारे डेनिस रिची, यानी कि डेनिस रिची को सी का डेवलपर कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। कौन सी ईयर में इन्होंने इसे डिज़ाइन डेवलप किया? 1972 में, याद रखिएगा सन 1972। देखिए भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को मेन फोकस्ड करना है। दूसरी बात, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह नहीं है कि आप रट रहे हैं, आपको मेन पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ते हैं। पॉइंट वाइज याद करिए, कभी नहीं भूलेंगे। तो किसने डेवलप किया? डेनिस रिची ने। कब किया? 1972 में। कहाँ किया, कौन सी लैबोरेटरी में किया, याद रखिएगा, AT&T Bell लैबोरेटरी में। AT का मतलब है अमेरिकन टेलीफोन, T का मतलब है टेलीग्राफ, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। तो याद रखिएगा, कौन सी लेबोरेटरी में किया गया? AT&T बेल लैब में किया गया। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैन बनाने का जो एम था, जो मैन बनाने का रीज़न था, उद्देश्य था, वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फ्लर्ज डेवलप करना। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को मुझसे पूछते हैं कि सर सी तो एक अल्फ़ाबेट हो गया, ऐसे डी होगा, बी होगा, ए होगा। तो मैं डी की तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, सी से पहले एक अल्फ़ाबेटिकल और प्रोग्रामिंग थी जिसका नाम लिया जाता है बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी डायरेक्ट नहीं आई कि सीधे सी लेके आ गए, सी से पहले बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1970 में बनाया गया। इसे बनाने वाले कौन थे? कैन थॉम्सन। अब बच्चे कहेंगे सर बी से पहले फिर ए भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बी जो नाम है, ये नाम आया है BCPL से। कहाँ से आया है? BCPL, यानी कि इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब बनाया गया? 1967 में। कौन डेवलपर थे, याद रखिएगा, मार्टिन रिचर्ड। तो सी से पुरानी लैंग्वेज पे भी थोड़ा हमने फोकस कर लिया, यानी कि सी से हम बी में भी आ गए और बी से पहले बी सी पी एल में भी आ गए।
अब सी तक क्यों आ गए? क्योंकि BCPL और बी प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट की कमी थी। वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? याद रखिएगा, डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में डेटा टाइप कॉन्सेप्ट की कमी थी। उस कमी को ही सी प्रोग्रामिंग ने दूर किया। यानी कि डेनिस रिची ने इन दोनों प्रोग्रामिंग की जो कमी थी, जो डेटा टाइप कॉन्सेप्ट्स में उतनी पूरी तरीके से उन कॉन्सेप्ट को फुलफ्लर्ज नहीं कर पाए, इसलिए सी प्रोग्रामिंग आई और डेनिस रिची ने इस कमी को दूर किया। जो भी एडवांस लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++ है, जावा है, ये सारी लैंग्वेजेस, C# है, ये सारी लैंग्वेजेस सी के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करती हैं। और जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सी के बेसिक्स या सी प्रोग्रामिंग को बिना सी के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे आ गया हो। तो यानी कि इन सब बातों से ये तो पता चल रहा है कि सी प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सी प्रोग्रामिंग में हम लोग शुरुआत में कोडिंग्स करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम, एक डेमो प्रोग्राम भी आप लोगों करके दिखाऊंगा, सैम्पल प्रोग्राम, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारा सिंटैक्स कैसा रहेगा, हम किस वे में अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। बस प्रोग्रामिंग में हमें इतना याद रहना चाहिए कि प्रोग्रामिंग हमें थोड़ा, प्रोग्रामिंग में कुछ लॉजिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लॉजिक रटे नहीं जाते हैं, लॉजिक्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती, लॉजिक सिर्फ बनाए जाते हैं दिमाग से। और वो तब अच्छे से बनते हैं जब आप इस तरीके की कोडिंग से आप स्टेटमेंट्स की लगातार प्रैक्टिस करेंगे। किसी के भी लॉजिक एकदम डायरेक्ट नहीं बन जाते हैं कि एक प्रोग्राम बनाया, हाँ अब तो हम कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लॉजिक्स बनाने के लिए हमें प्रैक्टिसिंग की ज़रूरत होती है। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में हम लोग प्रैक्टिसिंग करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक सॉल्व कर लिए तो उसी तरीके का दूसरा सॉल्व करते हैं, बस हमें ट्राई करना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या है, कोई प्रोग्रामिंग दी, कोई भी प्रोग्राम दिया, अब सीधे सीधे प्रोग्राम देते ही वो पूछ लेते हैं सर कैसे होगा, मतलब उन्होंने बिल्कुल भी अपने तरफ से ट्राई नहीं किया। जब तक आप प्रोग्रामिंग्स में या कोडिंग में ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे, बस प्रोग्राम को रटते रहेंगे। और प्रोग्राम्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती, प्रोग्राम्स या कोडिंग अनलिमिटेड होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। इसलिए आपको प्रोग्रामिंग समझ में आनी चाहिए, समझना है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को जितना ईजियर तरीका होगा, एक एक स्टेटमेंट, एक एक फंक्शन, सबका मेन मीनिंग क्या है, क्यों इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल होगा, वो एक एक करके बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको एक डेमो प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कि सी प्रोग्रामिंग में डेमो का मतलब होता है स्टार्टिंग प्रोग्राम। उसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा होगा कि आप कोई बड़ा सा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें बस आपको ये पता चलेगा कि आप इस प्रोग्राम में, यानी सी प्रोग्राम में क्या सिंटैक्स या फॉर्मेट कैसा इस्तेमाल करेंगे, वो सबसे स्टार्टिंग प्रोग्राम होता है, जैसे आप सैम्पल प्रोग्राम कहते हो, ठीक है ना। तो आप लोग इसका देखिएगा, उसे समझिएगा। थैंक यू।